हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस गरी की कतली। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पे गाइस कान्हा जी के लिए जो प्रसाद का भोग बनता है, जो मैं कतली बनाने जा रही हूँ गरी के बुरादे की। तो गरी का जो मैंने बुरादा लिया है, तो इसमें ये गरी का जो छिपकला होता है वो वाला नहीं लिया है मैंने, बुरादा रेडीमेड लिया है। सो गाइस मैंने आधा किलो बुरादा लिया है गरी का। और इसको बनाने के लिए गाइस मैंने ली है चीनी 1 कटोरी, दूध, घी 4 चम्मच, और मैंने लिया है मिल्क पाउडर जो मैंने 2 पाउच लिए हैं। सो गाइस करी की कतली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी। आप लोगों को जैसे नॉर्मल होता है कि मन लो नहीं आती है, तो आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही अच्छी कतली बनी है। सो गाइस चलते हैं करी की कतली कैसे बनाते हैं। अब चलते हैं गाइस गैस की तरफ। सो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो गैस गरी की कतली बनाने के लिए सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और इसमें रखेंगे नॉन स्टिक फ्लेम रखा है मैंने, और इसको गर्म करेंगे और फिर गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है। 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, ज्यादा नहीं। और जो गरी का बुरादा है वो इसमें डाल देंगे, उसको चलाएंगे। और गैस को लो फ्लेम पर ही गाइस रखना है। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो जलने लगेगा ये, बस खाली इसको रोस्ट करना है और नहीं तो बहुत ही जल्दी कलर बदल जाएगा और ये जल जाएगी। उसको चलाते रहेंगे, बस इसकी नमी को जो ख़त्म करना है, ताकि आप इसको चाहे 20-25 दिन तक बना के रख सकते हैं स्टोर करके, और आपकी गरी की बर्फी ख़राब नहीं होगी। गाइस इस तरीके से चलाएंगे, इस तरीके से इसको चलाएंगे। तो गाइस गरी को रोस्ट कर लिया है और ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे गाइस मिल्क पाउडर, मैंने ये पाउच लिया है मिल्क पाउडर का। दूसरा वाला भी पैकेट डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जो मैंने 1 गिलास लिया था। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे, इसको चलाते रहेंगे और इसमें डालेंगे चीनी। गैस आप देख रहे हैं कि मैंने लो फ्लेम पर कर दी है। और इसको चलाते रहना है। प्रोसेस ये है कि आपकी कतली बहुत ही बढ़िया बनेगी। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैंने 1 कटोरी चीनी पूरी डाल दी है। कतली गाइस आपकी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। अब इसमें मैं एक चीज़ डालूंगी गाइस, जो मैं डाल रही हूँ, आपकी कतली बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जो मैंने दूध की मलाई जो होती है वो मैंने ली है, वो डाल देंगे 2 टीस्पून। और इसको चलाएंगे मलाई से, अगर आपके पास मावा हो तो मावा डाल सकते हैं। तो मावा का गैस मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, अगर मावा नहीं हो तो मलाई भी ले सकते हैं। गैस को लो फ्लेम पर ही रखना और इसको अच्छे से चलाना है, ताकि जो चीनी है वो मिक्स हो जाए। आप देख रहे हैं कि कतली बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन रही है, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। और इसमें गाइस जमानी हो आपको, उसमें घी लगा लेंगे गाइस थाली में, आपका थाली हो या जो भी हो। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया कतली बन रही है। साफ करेंगे इसको, एक थाली लेंगे उसमें लगा लेंगे ऑयल। थाली में गाइस अच्छे से ऑयल डालेंगे और इसको चारों तरफ सही से लगा लेंगे। इस
इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ये इसमें गीला ना रहे बिल्कुल भी। अगर गीला रहेगा तो आपकी कतली बिल्कुल भी नहीं जमेगी। और दूध को आपको उतना ही लेना है जितना मैंने लिया है। गैस को हाई फ्लेम पर कर दिया है और इसकी जो पानी है वो सब सूख जाएगा। तो गाइस परफेक्ट बन गया है ये। अब गैस को ऑफ कर देंगे। और आप देख सकते हैं गाइस कलर भी चेंज नहीं हुआ है और करी की तैयार हो गया है ये। गैस को ऑफ कर दिया है। अब जो मैंने ये थाली में ग्रीस किया था इसमें डाल देंगे। तो मैंने इसमें थाली में रख लिया है। अब देर ना करते हुए हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल जो मैंने इस तरीके से लिया है। अब इसको बराबर कर देंगे। इस तरीके से इसको जमा देंगे गैस और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आप जिस आकार में करना चाहें उस तरीके से आप काट सकते हैं। तो गैस अब इसको आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। इसके ऊपर आप चाहें तो चांदी की बर्फ भी चिपका सकते हैं या मेवा वगैरह जो भी है अवेलेबल हो वो आप चिपका सकते हैं। तो गैस मैं इसमें डाल रही हूँ खरबूजा की मिंगी। तो गैस आप देख सकते हैं ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगा है और तकरीबन के तैयार हो गई है। हम इसको रखेंगे पंखे के नीचे, इसको पंखे की हवा खिलाएंगे। मिलते हैं आधे घंटे बाद। सो गाइस गरी की बर्फी जमाने की थी वो अब ठंडी हो गई है। आधा घंटा हो गया है। अब इसको चाकू से अपने अनुसार आप काट सकते हैं जो भी शेप देना चाहें। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे बर्फी की। सो गाइस आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कटिंग हो रही है। तरीके से इसको काट लेंगे। तो बर्फी की कटिंग कर ली है गरी की। तो गरी की बर्फी बन चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है ये। और इस तरीके से गाइस आप बनाइएगा गरी की बर्फी। और सो गाइस आपको वीडियो एक अच्छी लगी गरी की बर्फी की। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और आप लड्डू गोपाल को भोग लगाइएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय। राधे राधे। हेलो गाइस वेलकम बैक न्यू वीडियो। जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ मखाने की और मिक्स मेवा की और कॉर्न की कतली। सो गाइस कतली बनाने के लिए मैंने लिया है ये मखाने को। ये मैं साबित मखाने हैं और आधे मैंने कटिंग कर ली है इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और मैंने लिया है मिक्स मेवा। मिक्स मेवा में गैस मैंने छुहारे को छोटा छोटा काट लिया है और चिरौंजी और किशमिश और मैंने लिया है गॉन और लिया है देसी घी। और इसे पाकने के लिए गैस मैंने लिया चीनी और गैस मैंने करी के लच्छे लिए हैं नारियल के जो इस तरीके से कद्दूकस कर लिए हैं। इसके थोड़े गैस थोड़े से बड़े ही लच्छे बन निकाले हैं इस तरीके से। तो गैस चलते हैं कतली बनाने गैस के पास। गैस को ऑन करेंगे और इस कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, घी, उसको गर्म करेंगे। सो गाइस ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। और इसमें डालेंगे गैस थोड़ा सा पहले गॉन डालेंगे और इस तरीके से गॉन को भून लेंगे। तो गैस गॉन को इस तरीके से तलना है कि वो जले नहीं। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। गैस को फिर से ऑन करूँगी। गैस को ऑन कर दिया है और ये थाली में इस तरीके से गॉन को निकालते रहेंगे। तो गैस ऑयल को सफेद गर्म है तो इसमें गॉन को डाल देंगे और गॉन को गैस थोड़ा थोड़ा ही तलना है, ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है। एक साथ अगर आप डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी अलग अलग।
तो ये गाइस मैं मिक्स मेवा की कतली बना रही हूँ। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कतली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और कान्हा जी को भोग लगाना है तो अच्छी बहुत ही ध्यान से बनाइएगा गाइस, और सफाई से विशेष ध्यान देना है। और भी पीछे निकल जाता है, जारी वाली सर्दी में मैंने ले लिया है। इसी तरीके से कॉर्न को तर लेंगे। सो गाइस कॉर्न को इस तरीके से तल लिया है, आप देख सकते हैं कितने करारे हो गए हैं कॉर्न और बहुत ही आसानी से फूट जाते हैं। इस तरीके से कॉर्न को फोड़ लेंगे गाइस। अदरक कुचलने वाली जो है उससे इस तरीके से कॉर्न को फोड़ लेंगे, सारी कॉर्न को फोड़ लेंगे, चाहे तो आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। बट कॉर्न को मैंने इस तरीके से फोड़ लेंगे, और चाहे तो आप गैस पे भी खल्लर मूसर जो होता है उस पर आप कर सकते हैं, या मिक्सी में आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो गाइस मैं मिक्सी में ग्राइंड नहीं कर रही हूँ और ऐसे ही फोड़ लेंगे। तो गाइस परफेक्ट ये फूट चुका है, थोड़े बहुत रह गए हैं ऐसी बात नहीं। गाइस मैंने लोहे की कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में डाल देंगे मखाने जो मैंने कटिंग करके रखे हुए थे, इसको चलाएंगे और इसमें डालेंगे घी। इसको हल्का ही रोस्ट करना है और ज़्यादा नहीं। वन टीस्पून, तो गाइस मैंने 3 टीस्पून डाल दिए हैं घी इसमें, और इसको देखना है कि इस तरीके से फूटने लगेगा तो आपको इसकी पहचान करनी पड़ेगी और मखाना करारा हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है। मखाना गैस कर लिए हैं, अब इसको निकाल लेंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। इस तरीके से गैस मखाने को कर लेंगे। तो गैस इसी कढ़ाई में ये वाले जो मखाने हैं गोल वाले जिसको मैंने कटिंग नहीं करी है वो इसको इसमें इस तरीके से डाल देंगे, और इसको भी उसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। तो गाइस क्वांटिटी मैंने 2 टीस्पून ली है, इस तरीके से देसी घी डालेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। और इसकी कतली गाइस नहीं बनानी है, इसको गाइस मखाने पागेंगे, इसको पागने के लिए भी बताऊंगी मैं इस तरीके से मखाने को मैं पागती हूँ। तो गाइस आप पूरी वीडियो देखेंगे तो लगेगा हाँ कतली बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है और मखाने पके हुए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो यारी जी को भोग लगाइएगा। सो गाइस इन मखाने साबित वाले मखाने को भी मैंने फ्राई कर लिया है, इसको इस तरीके से दबा के देखेंगे, अगर सॉफ्ट है तो इसको 2 मिनट और इसको फ्राई कर लेंगे और इसको चलाते रहना है। हम इसे निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। इसी में गैस गरी को भी इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको भी निकाल लेंगे। इसी में गैस चाशनी बनाएंगे, चाशनी गाइस आपको विशेष ध्यान देना है। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 ग्लास पानी। अगर आपकी चाशनी परफेक्ट बनेगी तो आपकी कतली भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब इसमें डालेंगे गाइस चीनी, चीनी की क्वांटिटी गाइस आप देख लीजिएगा। बनाएंगे 2 तार की चाशनी, तो वह चीनी 1 कटोरी मैंने ली है तो इसमें ऐड कर देंगे और इसको चलाएंगे। तो गाइस इसको 2 तार की चाशनी बनाएंगे और इसको फॉल लगाएंगे, और इस बोलते बोलते आप देख सकते हैं कि इसकी 2 तार की चाशनी कैसे बनती है। तो गाइस मिक्स कतली बनाने के लिए मैंने मखाने की कटिंग करी थी, तो आप देख सकते हैं इसका करारे हो गए हैं, हाथ से टूट रहे हैं इस तरीके से, और मैंने कॉर्न को फोड़ लिए थे खल्लड़ मूसर से, और ये गरी के जो लच्छे हैं जो मैंने इस तरीके से लच्छे बनाए हैं गरी के कद्दूकस कटिंग करके, और ये रहा गरी का बुरादा जो थोड़ा सा बड़ा है वो भी इसी में रख लेंगे। उसमें डालेंगे गाइस छुहारा किशमिश चिरौंजी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो गाइस ये मेवा तैयार है, इंतजार है चाशनी का। चाशनी गाइस बनने वाली है, इसमें खोल आ रही है, और इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे और देखेंगे 1 तार की चाशनी बनानी है गाइस, 2 तार की नहीं, फिर 2 तार की बात में जब इसमें मेवा डालेंगे तब इसको अपने आप ही टाइट हो जाती है। तो पहले गाइस इसका ध्यान दीजिएगा, पहले 1 तार की फिर 2 तार की चाशनी अपने आप हो जाती है, उसमें जब गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे फिर आपकी कतली परफेक्ट बनेगी, और 2 तार की चाशनी में ही बर्फी परफेक्ट बनती है।
जिसमें गैस कतली जमानी हो उसमें ग्रीस कर लेंगे। सो गैस मैंने ये वाला थाली ली है और इसमें एक ऑयल ग्रीस घी डालेंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे। सो गैस थाली में मैंने ग्रीस कर लिया है एक चम्मच घी डालकर। चाशनी को गैस चेक कर लेंगे कि चाशनी परफेक्ट बनी है कि नहीं। अभी थोड़ी सी गीली है। अब लेंगे एक कटोरी में पानी और पानी में इस तरीके से चाशनी को डालेंगे। तो गाइस चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है, नीचे जम गई है। तो गाइस दो तार की चाशनी बनके तैयार हो गई है। इसमें से आप देख रहे हैं गाइस दो तार निकल रहे हैं। अब जो मैंने मेवा को रोस्ट करके रखा था फ्राई करके वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको चलाएंगे। जो मैंने मखाने साबित अलग से रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से मखाने वैसे अच्छे लगते हैं कटे हुए और थोड़े से बड़े। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको जिस थाली में ग्रीस किया था उसमें डाल देंगे। इसमें मैंने ग्रीस किया है और इसमें इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से गैस सारा कढ़ाई में जितना भी है सभी थाली में डाल लेंगे। मिलते हैं गैस इसमें डालने के बाद। तो गैस मैंने एक थाली में डाल दिया है इसको, इसको अच्छे से जमा लेंगे। इसको दबा देंगे इस तरीके से। तो इसको गैस ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मिलते हैं पतली के ठंडे होने के बाद। तो गैस ये रही कतली मेवा वाली बनके तैयार हो गई है। गैस आप ये देख सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने कैसे हुए। तो गैस मैंने एक ही चाशनी से मैंने दो कतली बना के तैयार कर दी है। तो मैंने मखाने जो आप पाकते हैं तो इस तरीके से आप गैस मखाने पाकेगा। तो गैस ये मखाने जो पके हुए आप देख रहे हैं तो कितने बढ़िया खुशबी लगे हैं। तो एक तीर से दो निशाने गैस, इसीलिए मैंने कहा है कि आपकी इसमें दो कतली तैयार हो गई है। एक ये मखाने वाली जो पाकते अलग से और एक मेवा वाली। तो गैस मेवा वाली कतली जो अभी ठंडी हो चुकी है और इसको काट लेंगे चाकू से इस तरीके से। ये रही गाइस मेवा वाली कतली, इतनी टेस्टी लग रही है और बढ़िया लग रही है। तो गाइस इस तरीके से आप बनाइएगा। अभी गाइस थोड़ी सी गरम है, इसमें गाइस कॉर्न भी पड़ा है और मिक्स मेवा है इसमें। और इसको गाइस इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो गाइस आपको ये दो तरीके की कतलियाँ बनने की वीडियो कैसी लगी। आप चाहें तो ये मखाने तरीके से अलग रखिएगा और ये कतली गाइस अलग जो कि मैंने मिक्स पा गई है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाय। राधे राधे। जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। कतली की गाइस कटिंग नहीं की जाती है इसमें, इस तरीके से तोड़ ली जाती है और आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो गाइस जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ जो खरबूजा के पीछे होते हैं उसकी, जिसको बोलते हैं मिगी, उसकी मैं बताऊंगी गाइस कतली। तो गाइस मैंने भी खरबूजा के मिगी ली है जो छिली हुई है गाइस इस तरीके से, और मैंने ली है चीनी। चीनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और उसकी क्वांटिटी से थोड़ा सा कम मैंने पानी लिया है। पानी चाशनी के लिए बस उतना ही लेना है जितना चीनी, अगर आपके पास चीनी से थोड़ा कम पानी लीजिएगा। तो गाइस बनाएंगे इसकी कतली। खरबूजा की मिगी की कतली बनाने के लिए गैस नॉन स्टिक फ्लेम रखा है मैंने और इसको गर्म किया है गैस को ऑन करके, और इसमें डालेंगे खरबूजा की मिगी। इसको गैस हल्का सा रोस्ट करेंगे, हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो ये बहुत ही जल्दी काले हो जाएंगे। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये जो मिगी होती है आपस में ये कूदने लगती है और सब चारों तरफ छिटक जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, गैस को लो फ्लेम पर ही रखिएगा और इस तरीके से चलाएंगे इसको। अब
अगर ये ज़्यादातर छिटक रही है तो इसको एक थाली ले लेंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि ये इधर उधर छिटके नहीं। अब आप देख रहे हैं कैसे इसमें चटर चटर की आवाज़ आ रही है, चटर चटर की आवाज़ आने लगती है तो ये परफेक्ट फ्राई हो गई है। और गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं। जब आप देख सकते हैं खरबूजा के जो बीजे हैं गोल हो जाएंगे, तो ये पतले हो गए हैं, डाइटिंग पर हो गए हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ये रही थाली और इसमें डाल देंगे खरबूजा के बीजे। इसको गैस ठंडा करेंगे, ठंडा करने के लिए इसको रखेंगे पंखे के नीचे। सो गैस आधा घंटा हो गया है, अब ये ठंडे हो गए हैं बीजे। अब इसको एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो गैस मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, अब इसमें डाल देंगे खरबूजा के बीजे। ये रहे मिक्सी के जार में, और इसको गैस ध्यान रहे इतना मिक्स इतना मही नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही इसको मिक्सी में पीसना है। इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। सो गैस मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इसको थोड़ा सा मोटा ही रखा है और बिल्कुल मही नहीं करना है। और इसको डाल देंगे वापस थाली में। अगर आप गरम गरम इसको पीसेंगे तो ये मिक्सी के जार में सारा चिपक जाएगा और आपका ये करी का बुरादा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बीजे का सॉरी मिंगी का। तो मिंगी का बुरादा गैस तैयार हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, वापस गैस को ऑन करेंगे और वही मैंने फ्लेम रखा है, उसमें जो डालेंगे पानी, आधी कटोरी पानी मैंने लिया है। जितना पानी डाला है उतनी गाय चीनी डालनी है। इसको गाय दो तरह की चाशनी बना लेंगे। चाशनी को गाय चेक करने के लिए मैंने पानी लिया है और पानी में डालेंगे चाशनी। तो ये चाशनी देखिए परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और जो करी का सॉरी मैगी का बुरादा जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको चलाएंगे, परफेक्ट हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक थाली में ग्रीस कर लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, इसको बराबर से कर लेंगे। अब ये जो है इसमें थाली में निकाल लेंगे। सो भाई थाली में निकाल लिए, अब इसको बराबर से कर देंगे, इसको जमा देंगे अच्छे से। इस तरीके से गैस आप बनाइएगा तो बहुत ही बढ़िया बनती है गैस गरी की मिगी की सॉरी बीजे की बर्फी। और इसको ठंडा करेंगे, पंखे के नीचे रख देंगे। ये टाइट हो गया है इस तरीके से, मिलते हैं ठंडा होने के बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस मैं आज बना रही हूँ कान्हा जी के लिए पंजीरी। सो गाइस पंजीरी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी आटा और मैंने पिसी हुई बूरा जिसे बोलते हैं चीनी और मैंने लिया है घी। सो गाइस चलते हैं पंजीरी कैसे बनाते हैं, और ये सत्यनारायण की कथा में भी बहुत ही ज़्यादा बनती है और इस पंजीरी के बगैर भगवान जी का प्रसाद अधूरा है। सो गाइस अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और मैं बनाऊंगी गाइस कान्हा जी के लिए पंजीरी। सो गाइस चलते हैं देर न करते हुए गैस के पास।
गैस को ऑन करेंगे और गैस पर डाले रखेंगे कढ़ाई, और इसमें डालेंगे घी 2 टीस्पून। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, ऑयल भी पिघल गया है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी आटा। अब इसको चलाएंगे। इसको गाइस गुलाबी गुलाबी ही भूनेंगे और इसको चलाते रहेंगे, और इसको ध्यान रहेगा ये जले नहीं। तो गाइस इसको मैं चलाती रहूंगी और ये गुलाबी हो जाएगा, और बहुत ही पंजीरी जो है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। गुलाबी होने तक का इंतजार करना है और इसको चलाते रहेंगे। जन्माष्टमी में गाइस पंजीरी बनती है, और पंजीरी के बगैर भोग अधूरा रहता है। नारायण को पंजीरी बहुत ही ज्यादा पसंद है, पंजीरी चना मिर्च। तो गाइस आप देखते हैं कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने गुलाबी फ्राई कर लिया है और कलर भी चेंज हो गया है इसका, आटे का। तो गाइस आप अगर चाहें तो उसकी भी पंजीरी बना सकते हैं, सिंगाड़े के आटे की पंजीरी। उसकी भी सिंगाड़े के आटे की पंजीरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और अच्छी लगती है। बहुत से लोग सिंगाड़े के आटे की पंजीरी भी पसंद करते हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ आटे की पंजीरी। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसको करेंगे ठंडा। सो गाइस आधा घंटा हो गया है, इसको मैंने ठंडा कर लिया है पंजीरी को। और अगर आप ठंडा नहीं करेंगे और चीनी ऐड कर देंगे पिसी हुई, तो गाइस आपकी ये हलवा बन जाएगा, पंजीरी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, आधे घंटे का वेट किया है। तो गाइस आटा फ्राई करने के बाद, इसमें मैंने ठंडा करने के बाद इसमें अब डालेंगे बारीक पिसी हुई, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी बूरा नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी बूरा लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी में चीनी को ग्राइंड कर सकते हैं और इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। जितना मैंने आटा लिया था उससे कम मैंने पिसा हुआ बूरा लिया है। तो गाइस ये परफेक्ट बन गया है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी मेवा। तो गाइस पंजीरी बनके तैयार हो गई है खाना जी के लिए। इस तरीके से गाइस आप पंजीरी बनाइएगा आटे की, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और नारायण जी लक्ष्मी नारायण को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइस ये पंजीरी को मैंने परफेक्ट तैयार कर लिया है। सो गाइस आपको पंजीरी की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और एक मेरा चैनल दूसरा है, शॉर्ट्स की वीडियो मैं डालती हूँ। कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो मैंने नोटिफिकेशन दी है, वहाँ पर आप जाकर सर्च करिएगा कमेंट बॉक्स में, और शॉर्ट्स की वीडियो देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे शॉर्ट्स वाले चैनल के लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूजा करिएगा जन्माष्टमी की। नाना जी का बर्थडे है और धूमधाम से मनाइएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। सो गाइस खरबूजे की मीगे की कतली मैंने फ्रीज में रख दी थी और ये ठंडी हो गई है, इस तरीके से ये जम गई है। और अगर आप गरम गरम काटेंगे तो ये परफेक्ट नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी टाइट है और छूने में भी नहीं पिचक रही है। तो इसको गाइस लेंगे एक चक्कू और चक्कू से काटेंगे इसका केक। इस तरीके से इसको काट लेंगे, जो भी शेप देना चाहें उस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। तो गाइस आपको ये मीगी वाली वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। इस तरीके से काट लेंगे। अगर आप साबित मिंगी की कतली बनाएंगे तो वो बिखर जाती है और गाइस परफेक्ट नहीं रहती है। तो गाइस लग रही है ना काजू की बर्फी जैसी, इस तरीके से गाइस आप बनाइएगा। और ना ही मैंने ज़्यादा ऑयल डाला है और ना ही ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। जब आप गाइस फ्रीज में रख देंगे तो बहुत ही आसानी से निकल आएगी। ये रही गाइस कतली। और कान्हा जी के लिए भोग लगाइएगा, और लक्ष्मी नारायण के लिए। आज जन्माष्टमी है तो आप सभी लोग इसका प्रसाद पाइएगा और एक दूसरे को खिलाइएगा। सो गाइस मैं इसको सर्व कर लेंगे। तो गाइस इस तरीके से ये बन चुकी है खरबूजा की मिगे की कतली, और परफेक्ट बन के तैयार हुई है। और अब मेरे एक नया चैनल है जो मैं कम्युनिटी बॉक्स में जाएंगे नोटिफिकेशन दी है, उसमें शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाइएगा और मेरी शॉर्ट्स की वीडियो देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जन्माष्टमी की कान्हा जी की पूजा कीजिएगा। और इस तरीके से गाइस ये संपूर्ण भोग बन के तैयार हो जाता है, पंजीरी बनाते हैं। जो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके से नारायण का भोग बनाया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो गैस नारायण का प्रसाद बने और तुलसी का भोग ना लगे। सो गैस मैं इसके ऊपर रखूंगी तुलसी पत्र। तुलसी पत्र के बगैर गैस संपूर्ण भोग नहीं होता है और तुलसी पत्र रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और अगर आप लक्ष्मी नारायण के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो आप तुलसी पत्र जरूर रखिएगा, तभी आपका संपूर्ण भोग माना जाएगा। करिएगा आप जन्माष्टमी की पूजा बहुत ही धूमधाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस चन्नामृत, जो चन्नामृत जिसको पंचामृत भी बोलते हैं, चन्नामृत भी बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो आप सभी के लिए जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के लिए जन्माष्टमी बहुत ही अच्छी हो और लक्ष्मी नारायण का आप अच्छे से लड्डू गोपाल का पूजन करें बिहारी जी का। सो गाइस मैंने ये घर में ताज़ा दही जमाया है, तो इसको आप दही की जमाने की वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो आप दही कैसे जमाते हैं वो प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो गाइस चन्नामृत बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो दही और मैंने लिए है पंचमेवा, तुलसी पत्र, कच्चा दूध, घी, पिसी हुई चीनी और मैंने लिया है गंगा जल। इसके बगैर चन्नामृत जो है संपूर्ण नहीं माना जाएगा। और मैंने लिया है शहद। सो गैस चलते हैं अब इस, ये तो गैस गैस में नहीं बनाना है, इसको ऐसा ही बनाया जाता है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चन्नामृत कैसे बनाते हैं। दूध को गैस कच्चा ही लेना है, पका हुआ नहीं, और क्योंकि इसमें ठंडा ही रखा जाता है और पका हुआ बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, इसमें तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। और ये रहा दही। तो गाइस सबसे पहले बना लेंगे एक बड़ा बर्तन। तो गाइस ये बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें डालेंगे दही, बना दे। तो गाइस इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे आधा गिलास। अब इसमें डालेंगे दही को चलाएंगे। इसमें डालेंगे गाइस पंचमेवा, पिसी हुई चीनी, आप चाहे तो दाने वाली होती है वो भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे दूध कच्चा। अब डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच, थोड़ा कम कर लो। अब डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, गंगा जल, शहद। शहद बहुत जरूरी है, शहद के बगैर चन्नामृत पूरा कंप्लीट नहीं होता है। अब लेंगे गाइस तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते के बगैर संपूर्ण भोग नहीं होता है नारायण का। अब इसमें डालेंगे गाइस तुलसी पत्र, 1 ग्लास पानी। अब इसको चलाएंगे। ये रहा गाइस चन्नामृत तैयार हो गया है। इस तरीके से गाइस आप बनाइएगा, चन्नामृत परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। इसमें ये सब चीजें जो दिखाई हैं वो सब पड़ती हैं। तुलसी पत्र के बगैर चन्नामृत पूरा नहीं माना जाता है। तो गाइस आपको चन्नामृत की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और इसको आप रख लीजिएगा इस फ्रीज में, और जब पूजा हो तब आप इसको निकालिएगा, नहीं तो दही इकट्ठा हो जाएगा। तो गाइस जन्माष्टमी की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तरीके से आप पीजिएगा भूख लगा के प्रसाद।